गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज शाम से, 7-8 बज गया है और मैंने सोचा क्यों ना अभी ये ब्लॉग स्टार्ट किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए जो मैं बहुत ही मेहनत वाला, बहुत ही हिम्मत वाला काम करने जा रही हूँ। तो एक्चुअली बात यह है कि मेरे हस्बैंड का मेरे पास ट्रांसफ़र हो गया, तो उनका सारा लगेज हमारे यहाँ आ चुका है और आज ही शिफ्ट हुआ है और पूरा लोडर भर के सामान आया है और वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, आप देखिएगा कैसे। आप देख सकते हो अभी इतना सामान ये आया हुआ है पूरा, ये इधर ये अभी सब ऐसे रखा हुआ है और अभी बस मैंने ये सोफ़ा सेट किया है यहाँ पे और अभी भी पूरा इधर तक सामान है पूरा। तो ये मुझे सेट करने में अराउंड 3 से 4 दिन लगेगा, आप देख सकते हो। तो ये सब मुझे सेट करना है और इसके बाद ही मैं फ्री हो पाऊँगी, कुछ और मतलब कर पाऊंगी। तो ये व्लॉग बहुत ही कंटिन्यू चल रहा है और इतना सारा सामान है और मुझे ये पूरा सेट करना है और अभी मैं बना रही हूँ चाय और आप देखिएगा ये बन रही है मेरी चाय और इतनी सारी मुझे चाय की क्रेविंग हो रही थी, मैं उसे चाय बनाती हूँ और धीमे धीमे थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देती हूँ। अभी मैंने सोफ़ा ही सेट किया है तो ये व्लॉग बहुत ही लंबा जाएगा, मतलब 2-3-4 पार्ट में मैं बनाऊँगी मैं और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा मैं कैसे कैसे चेंजेस करती हूँ और ये सारा सामान इस 2 BHK अपार्टमेंट में कैसे मैं शिफ्ट करूँगी विदाउट एनी कवर्ड और एक्स्ट्रा स्पेस। यू नो गाइस, रेंटल अपार्टमेंट की स्पेस नहीं होती है, तो यही सब चीज़ें मुझे शेयर करनी है और मैं सोच रही थी आपके साथ जुड़ के ही सबको शेयर करूँ क्योंकि धीमे धीमे आप भी मेरे साथ ही जुड़ेंगे और मेरी लाइफ के हर चीज़ हर मोमेंट पर आप देखते रहेंगे, तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा मेस है तो अभी हम चाय पियेंगे और मैं थोड़ी देर बाद ये सब करूँगी और आपको मिलूँगी मॉर्निंग में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। एंड अब हो चुकी है सुबह और रात भर में मैंने पूरा जितना भी काम कर पाई किया, मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि टाइम बहुत लगता। तो अभी आप देख ही रहे हो, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ थोड़ी देर में कि कैसा हो गया है और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो अभी क्लीनिंग चली रही है और ये सब थोड़ा बहुत साफ़ हुआ है। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं पूरे क्लीनिंग करते करते, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि अभी रात से लेके अभी तक का प्रोसेस का काम कहाँ था। गाइस, अभी आप देख सकते हो ये घर की हालत मेरे, किचन का पूरा क्लीन हो पाया और अभी ये कुछ इस कंडीशन में है, इतना अनपैक हो पाया सामान और अभी भी ऐसा है। और बाहर बहुत तेज़, मैं आपको दिखाऊं तो बारिश हो रही है, देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है और ये सब भीग चुका है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक। और अभी मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि रात में भी ब्लॉग नहीं बन पाया सफाई करते करते ही, तो शायद ये ब्लॉग मैं कई पार्ट में बना बना के एडिट करके आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और मैं 8 बजे उठी हूँ और मैं पानी गर्म कर रही हूँ आप देख सकते हो, और आपको मैं सफाई की कंडीशन दिखाती हुई कहाँ तक पहुँची है। तो आप देख सकते हो ये अभी भी इतना यहाँ पे क्लीन हुआ है, मैं आपको दूसरी जगह दिखाती हूँ, ये देखिए ये हाल है इस जगह का, इतना ज़्यादा ऐसे फैला हुआ है, अभी भी इतना फैला हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो इतना मैंने क्लीन किया है। तो अभी पता नहीं, शायद 1 या 2 दिन और लगेगा, तो मैं ये ब्लॉग ऐसे ही पूरा एक बना के धीमे धीमे आपको शेयर करूँगी कि फाइनली आखिर में कैसा हो रहा है। और बाहर धूप आ चुकी है और बस ऐसे ही चल रहा है, अभी हम वार्म वाटर पियेंगे और उसके बाद आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल रोटी, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। और ये व्लॉग जो मैं कट कर करके पार्ट पार्ट में बना रही हूँ क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यू ही बन रहा है, बट सफाई इतनी ज़्यादा होती है कि मैं फ़ोन लेके बनाऊँ तो फिर नहीं हो पाता है, तो मैं जितना ही हो सकता है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, ये प्रोसेस ऐसा कि मतलब कैसे आज सामान था और कैसे मैंने जाके ख़त्म करूँगी इस 2 BHK में, इतना ज़्यादा सामान आप देख सकते हो, ये भी सब अभी भरे हुए हैं, सब धुले हुए बर्तन रखे हैं मैंने और मेरे जो बर्तन थे वो यहाँ पे पहले से सेट हैं। तो अभी चलते हैं, सिर्फ वार्म वाटर पीते हैं आराम से बैठ के, फिर मैं धीमे धीमे से स्टार्ट करूँगी ये प्रोसेस फिर से। ये कप मैंने गोवा से लिया था
तीन साल पहले और आज मुझे मिला है यूज़ करने को, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के यहाँ था और मैं वहाँ से जब यहाँ पे शिफ्ट हुई जॉब की वजह से तो ये कब सारे सामान वहीं रह गए, तो अब फाइनली मुझे ये मिल चुका है। तो मैं इसी में वॉर्म वाटर पी रही हूँ और बस ऐसे ही मॉर्निंग इंजॉय करेंगे। मॉर्निंग की धूप आ गई है। गैस पकौड़ी मैंने निकाल ली है और अब कढ़ी को आगे कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसको अच्छे से पहले मैं फ्राई कर लूँगी ब्राउन होने तक एकदम, उसके बाद मैं मट्ठा और बेसन का जो मटेरियल मैंने बनाया है ये बनाया है तो ये डालूँगी इसमें। तो अभी ये हो जाए फिर इसके बाद हम इसमें वो डालेंगे। सो गाइस यहाँ पे अभी ये बन रही है और जब ये पक जाएगी उधर पे मैंने राइस चढ़ा दिया है, बस फिर रोटी का काम रह गया। तो आज का ये पूरा काम कंप्लीट है, फिर मुझे अभी सफाई में मैं चलती हूँ, ये बन जाए पूरी उसके बाद मैं सफाई करूँगी। यहाँ मेरी कढ़ी बन चुकी है और राइस भी बन चुके हैं और बस अब रोटी बनानी है और फिर खा के मैं सफाई के लिए निकलूँगी। गुड मॉर्निंग गाइस, और कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मेरे घर की पेन पैकिंग नहीं हुई है, इतना अभी भी लेफ्ट है, इतना मैंने क्लीन कर लिया है पूरा और किचन भी पूरी सेट हो गई है, थोड़ा बहुत तो सामान यूज़ हो रहा था और ये पूरा मैंने क्लीन हो गया है। बट अभी आपको मैं दिखाती हूँ इसका हाल, देखिए ये है इस रूम का हाल और ये अभी भी ऐसा है क्योंकि इतनी स्पेस ही नहीं है, समझ भी नहीं आ रहा है कि इतने सारे कपड़े हम कहाँ रखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब क्या करें, और ऐसे ही बस ऐसे ही जा रहा है। और अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ। मैंने सोचा कि ना ब्लॉग स्टार्ट किया जाए और आपको बताएं कि अब नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या क्या क्लीन करने जा रही हूँ। वैसे होपफुली आज या कल तक मैं पूरा क्लीन कर लूँगी, आज थर्ड डे था और फोर्थ फिफ्थ डे में मैंने सोचा था कि पाँच दिन में ही मैं पूरा ख़त्म करूँगी, तो फाइव डेज़ में मैंने कंप्लीट करने का पूरे चांसेस रखे हैं, होपफुली हो जाए। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरा घर सेट होने के बाद कैसा लगता है। और मैंने इस टाइम में बहुत सारे शॉपिंग भी की है, बहुत सारे शॉपिंग हॉल्स भी आपके पास आने वाले हैं, नायका के आने वाले हैं, अमेज़ॉन के आने वाले हैं, फ्लिपकार्ट के आने वाले हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा, फिर चलते हैं थोड़ा सा क्लीनिंग करते हैं। उससे पहले हम जा रहे हैं चाय बनाने, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, अब चाय पीने का टाइम है। तो मेरी मेड अभी आई नहीं है, बेटी मेरी सो रही है, हस्बैंड मेरे सो रहे हैं, तो वो लोग उठ जाए और हम चाय बनाएंगे और चाय। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर डे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं बना रही हूँ खाना। यहाँ मेरी बन रही है कुंदरू की सब्ज़ी, यहाँ चावल बन चुका है, यहाँ चाय चढ़ी है और यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी है, यहाँ पे मेरी बेटी की दाल बन चुकी है। तो मैंने 6 बजे से उठ के खाना वाना बना लिया है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है और फिर कपड़े भी निकलना होता है। तो अब बारी है घर को दिखाने की। तो घर का काम क्लीन हो गया है, इधर भी पूरा क्लीन हो गया है, ये कुछ ऑर्डर्स आए थे मेरे वो रखे हैं, इधर भी पूरा क्लीन हो गया है, या बस ये अभी कुछ नए ऑर्डर्स आए हैं उनको इंस्टॉल करवाना है घर पे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी भी चीज़ें सही हो चुकी हैं, इधर भी इस पूरा क्लीन है, मेरी बेटी सो रही है अभी। और यहाँ पे थोड़ा वो सामान है जो डेली वाला होता है, डेली कपड़े वगैरह जो वॉश होते हैं वो हैं, तो वो क्लीन करना है। तो फाइनली आज शाम तक पूरा घर अच्छे से सेट हो जाएगा और फिर मैं आपको फाइनली रिवील करूँगी कि पूरा घर कैसा क्लीन हुआ है और मैंने कैसा सेटअप चेंज करके इस 2 BHK अपार्टमेंट में सारा अपने हस्बैंड का जितना भी लगेज था, जितना भी सामान था उसको सेट किया। तो यही चल रहा है सब कुछ। और आप बताइए आपके दिन कैसे जा रहे हैं? मेरे तो बहुत हेक्टिक जा रहे हैं, OPD, घर घर पर सफाई, फिर बेटी, फिर घर का खाना एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो सुबह 7 बजे की मॉर्निंग देखिए कितनी प्यारी है। यस, तो मुझे भी इतनी अच्छी मॉर्निंग में उठना अब अच्छा लगने लगा। मैं थोड़ा लेट उठती थी क्योंकि अकेले रहती थी, तो मैं OPD के टाइम से पहले उठती थी, बेटी भी सोती रहती थी। बट अभी मैं टाइम पे उठती हूँ और खाना हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है। और हाँ, मैं आपको बताऊँ, मैंने जिम जाना भी स्टार्ट किया है अभी 2-3 दिन से,
थोड़ा बहुत ही कर रही हूँ, बट आज नहीं गई मॉर्निंग में, तो शायद शाम को जाऊँ, तो मैं वो भी आपके यहाँ शेयर करूँगी। तो अभी चलते हैं, चाय वगैरह बन गई है, चाय पीते हैं, खाना बन जाए, खाना पैक करके हस्बैंड को मुझे देना है, और उसके बाद मैं आपको मिलूँगी सफाई करने के टाइम पे। ये मैंने यहाँ पे अपनी जो कॉफ़ी वाली है होल्डर, मैंने वॉल का जो लिया था वो मैंने यहाँ पे हैंग करवा दिया है, और ये अच्छे से फिट हो जाता है, आप देख सकते हो एकदम। और इसमें आप अराउंड 10 कॉफ़ी मग्स ऊपर, 10 कॉफ़ी मग नीचे हैंग कर सकते हो, और इसको मैं अच्छे से भी ऑर्गेनाइज करके बाद में आपको उसका पिक दिखाऊंगी कैसा लगता है ये। आज बना रही हूँ सांभर और डोसा, तो सांभर मेरा बन चुका था, तो मैं उस टाइम पे फ़ोन चार्ज पे लगाई हुई थी तो मैं नहीं बना पाई, बट अभी मैं डोसा बना रही हूँ, और अभी एक डोसा बन चुका है, दूसरा बन रहा है, और सांभर दिखाती हूँ मैं आपको। सांभर बन गया है मेरा, ये मेरा इधर सांभर बन चुका है, और बस अब इसी की तैयारी हो रही है, ये हो जाए थोड़ा सा, और इसमें मैंने हल्का सा मूंग दाल का मटेरियल भी मिक्स किया है जिससे कि थोड़ा सा मुझे हेल्दी के साथ साथ अच्छा सा लगे। तो ये है मेरा डोसा भी रेडी हो रहा है, बस इसके बाद हम लंच करेंगे, और लंच करने के बाद मैं ओपीडी निकलूंगी, और बस ऐसे ही रूटीन चलेगा आज का ये भी। तो ये सब कुछ बन गया है, और अब आ रही है खाने की, तो मैं सांभर निकाल लेती हूँ, और अब हम जा रहे हैं लंच करने। तो ये सांभर आ गया है, और ये हम कर देते हैं बंद, और ये हमने ले लिए हैं अपने डोसे, दो बहुत हैं, और फिर चलते हैं लंच करते हैं गाइस। गाइस मैंने यहाँ पे अभी ये भी लगाया है ये फ्रेम का, अभी फ्रेम कम है क्योंकि अभी कुछ फ़ोटोज़ बन के नहीं आई हैं, तो वो मैं पूरा यहाँ पे कवर करूँगी ये पूरी वॉल को, मतलब एक फ़ोटो फ्रेम वाली वॉल पूरी बनाऊँगी। ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो ऐसा है ये वॉल, तो इस पे पूरा बनाऊँगी। अभी कुछ फ़ोटोज़ मेरी आई हैं, कुछ फ़ोटोज़ अभी बन रही हैं, तो प्रिंट आउट आ जाए तो उसको मैं बनाऊँगी यहाँ पे। और ये आप देख ही चुके थे, ये पूरा मैंने सेट कर लिया है कॉफ़ी मग वाला टेबल, के नीचे मैंने ये अपनी
सेट करी है और इस पे मैंने ये लगाया है कि ये चॉपर बोर्ड वाला अपना, ये मैंने सब अमेजोन से बाय किया हुआ है, ये आईकेआ की है। ये फर्स्ट ट्राई कि मेरी बेटी की मनी बॉक्स है, इसमें मैं सारे कॉइन्स उस पर रख देती हूँ। ये मैंने अपने हस्बैंड को दिया था उनके बर्थडे के टाइम पे, वाटर वाली बॉटल। ये मैंने कासा डेकोर का लिया था केक स्टैंड, और ये मैंने एग्जीबिशन से अपने नोन से लिया था प्लांटर, वो मैंने यहाँ रखा है। इसमें अभी मुझे फ्लावर लगाने हैं, और अंदर मैंने सेट किया है ये क्रॉकरी सेक्शन अपना पूरा। तो जो जो मुझे चीज़ अभी चाहिए होती है, सारे कॉफ़ी मग्स हैं, ग्लासेस हैं, सेट हैं, तो जो मैं आपका शेयर भी करती हूँ शॉपिंग मॉल्स में, वो मैंने इमरजेंसी के लिए यहाँ रख दिए हैं, और जो उसमें नहीं आ पाए वो मैंने अलग सेट कर दिया है और दूसरे टेबल में। तो ये यहाँ का व्यू हो गया है पूरा। अभी मैंने कुछ निकाल लिए थे, और ये है यहाँ का व्यू, और साथ ही साथ मैंने आपके मैंने ये यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये आपको मैंने दिखाया ही है। ये मैंने अभी बीच में डेकोर किया था, अभी जो पहला वाला वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये डेकोर कर दिया था, तो ये मेरे कुछ ट्रॉफ़ीज़ हैं, और मेरे हस्बैंड की, मेरी बेटी की कुछ ट्रॉफ़ीज़ हैं, और ये मैंने जो बाय किया था उदयपुर से, वो मैंने किचन यहाँ लगा दिया है। इसमें मैंने सारी अपनी की चेन्स वगैरह वो सब लग दिया है, और साथ ही साथ मैंने ये यहाँ पे अपना जो मेरी शू रैक वाला एरिया था वो मैंने लगाया है। सारे यहाँ पे मैंने सैनिटाइजर वगैरह जो चीज़ें यूज़ की हैं वो रख दी हैं, टिश्यू वगैरह रख दिया है, हेलमेट मेरा यहाँ रहता है, मेरे हस्बैंड का यहाँ रहता है, वो भी गए हैं, और यहाँ पे अपने मैंने सारे शू रैक्स का कलेक्शन इधर पर रखा हुआ है। तो ये सब मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है इस तरीके के, तो अभी ये सब ऐसे रखे हुए हैं। यहाँ पर नया इंस्टॉलेशन हुआ है, यहाँ पर एक स्लैब था, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, तो वो हटवा के हमने यहाँ पे अपना RO UV पूरा ये लगवा लिया है। ये हमने हिंडेवेयर के लिया है, अभी इसका इंस्टॉलेशन आज हो पाया है, और पूरा घर की पूरी मैंने क्लीनिंग कर ली है, और बस ऐसे ही ये यहाँ का हो गया है, इधर का क्लीनिंग हो गया है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे अपना माइक्रोवेव वाला सेशन पूरा बना लिया है, जितने भी हमारे पास मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, माइक्रोवेव हो गया, नीचे हमारी ट्रेज, ग्रिल मशीन वगैरह सब हमने यहाँ रख दिया है, और अभी आपको ये तो हमने दिखाई दिया था ये सब। सो गाइज, ये वाली सीनरी मैंने यहाँ टक कर दी है, और ये वाला यहाँ पे कर दिया है, और मैं आपको एक और दिखाती हूँ, मैंने ये भी यहाँ पे किया है। यहाँ पे मेरी बेटी का फ्रेम था, उसको मैंने हटा के ये यहाँ पे कर दिया है, तो ये थोड़ा ट्रेडिशनल लुक के लिए मैं इनको यहाँ पे रख रही हूँ। इसके पास मैंने आपको जो दिखाया था ये, इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपनी वो कठपुतली मैंने बाय की थी वो मैंने यहाँ लगाई है, तो ये ऐसा पूरा एक लुक आ गया है ट्रेडिशनल लुक में, और ये पूरा ऐसे ही एक थीम बन गई है पूरी घर की, और ऐसे करके ये पूरा यहाँ का सेटअप हो गया है। सो गाइस, फाइनली घर पूरा सेट हो चुका है, और मैं जैसे अभी OPT से आई था, सोचा क्यों ना आपको अभी दिखा दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए टना, ये पूरा क्लीन हो गया है, और मैंने अभी पूरा सेट कर लिया है। ये मेरे कुछ ऑर्डर्स आए हैं, वो तो ऐसे ही रहते हैं। इधर पे पूरा जैसा मैंने आपको दिखाया, ये पूरा ऐसे सेट हो गया है, इधर पे ये पूरा सेट है मेरा, और बस ऐसे ही यहाँ पे सेट कर लिया है मैंने ये सब चीज़ें। ये कुछ ऑर्डर है, और ये देखिए, ये भी पूरा सब कुछ क्लीन हो चुका है, और मैं आपको अंदर भी दिखाती हूँ। किचन भी पूरी क्लीन है मेरी, यहाँ भी देखिए ये भी पूरा क्लीन है, मेरी बेटी लेटी हुई है, और ये सब भी पूरा मैंने क्लीन कर लिया है। इधर का एरिया भी, यहाँ पर भी मैंने ये सब लगाया हुआ था, सब कुछ पूरा घर मैंने फाइनली एक हफ्ते में सेट कर लिया, और बस यहाँ पे देखिए ये सब भी पूरा अच्छे से क्लीन हो गया, और गाने चल रहे हैं टीवी पे। सो गाइस, एक हफ्ता कैसे गया है मुझे पता है, OPD, घर घर का काम, फिर खाना भी देखना, और मैंने मतलब इतना था कि मुझे पूरा स्किप नहीं करना था बिल्कुल भी। मैं सोच रही थी पूरा टाइम मतलब अच्छे से कवर करके, जो लगाना है, जो डेकोर करना है, साथ ही साथ करती चलूँ, क्योंकि फिर ऐसे कुछ पीसेस होते हैं जो टूट सकते हैं, तो वो सब भी मैंने देखी, सब अच्छे से हैंग करके यहाँ वहाँ सब सेट कर दिया था, और बस अभी मैं आई, मैंने सोचा क्यों ना आपको अभी दिखा दूँ। और व्लॉग बहुत लंबा हो गया था, कई दिनों का व्लॉग था, मैंने आपसे कहा था तोड़ तोड़ के ही बन पाया है। तो बस ऐसे ही ये मेरा पूरा घर सेट हो चुका है फाइनली। मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली सब कुछ सेट होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और थीम मैंने आपको बताया था, मैंने हल्के से ब्राउन थीम रखी है पूरी, मैंने कर्टन। होप आपको मेरा ये 1 वीक का पूरा कंप्लीट व्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो डू कंसिडर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिले जब मैं अपलोड करती हूँ। सो गाइज,
बस यहीं तक, और अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ चाय पीने। और कभी अगर आपको इन फ्यूचर घर का टूर चाहिए हो मेरे होम टूर, तो मैं आपको ज़रूर दूंगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर आज तक के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक न्यू वीडियो व्लॉग जो मैं बना पाई उसके साथ। टिल एंड टेक केयर, बाय।